ठंड के मौसम में गर्मा गर्म चाय सभी को बहुत पसंद आती है, ठंड से राहत देती है और ऊपर से अगर ये चाय गुड़ वाली हो, मसाले वाली हो तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी गुड़ वाली परफेक्ट चाय बनाने की रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप पानी एक सॉस पैन में ले लिया है और इसे खौलने के लिए रख दूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी 3 टीस्पून, ये चाय पत्ती मैंने यहाँ ली है, इसे डाल दूँगी 3 टीस्पून यानी कि 3 छोटे चम्मच। आप इसकी जगह मसाले वाली चाय पत्ती यूज़ कर सकते हैं अगर आप मसाला अलग से नहीं डाल रहे हैं तो। एकदम सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दिया है और 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल दूँगी। अगर आपके पास चाय मसाला है तो उसे भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अदरक और इलायची पाउडर की जगह। अब मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 चम्मच गुड़, यहाँ पर गुड़ का पाउडर है मेरे पास तो इसे डाल दूँगी, ये ऑर्गेनिक गुड़ है। और अब इसे पकने के लिए छोड़ देना है। दूसरी तरफ मैंने 2 कप दूध ले लिया है एक भगोने में, इसे खौलने के लिए रख दूँगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाय खौलने लगी है, तो इसे 2 से 3 मिनट इसी तरह से धीमी आँच पर अच्छे से पका लेना है। चाय अच्छे से पक जाती है तभी इसका फ्लेवर अच्छे से आता है, नहीं तो चाय काफ़ी कच्ची कच्ची लगती है। तो इसे पकाना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर पहले से ही पका लेना है क्योंकि दूध के बाद हम इसे ज़्यादा पका नहीं पाएंगे। एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, गुड़ काफ़ी सारे वैरायटीज़ में मिलता है। कुछ गुड़ में नमक होता है, एक पीले वाला गुड़ होता है, एक एकदम भूरे रंग का गुड़ होता है जिसे ऑर्गेनिक गुड़ कहते हैं। दोनों ही गुड़ अलग अलग तरीके से बनता है, कुछ खजूर से गुड़ बनते हैं, कुछ गन्ने से गुड़ बनते हैं यानी कि शुगर केन से। और किस गुड़ में नमक है या नहीं इसकी ठीक से जानकारी हमें नहीं होती है, इसीलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगी दूध को इस तरह से चाय में डालने के बाद फिर से खौलाने की। तो आंच बंद करके हल्का सा स्टीम निकल जाए, फिर इसमें दूध को भी खौलने के बाद हल्का सा ठंडा कर लें और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें और इसे मिक्स करते जाएँ। तो इस तरह से हमारी गुड़ वाली चाय बनके तैयार हो जाएगी और बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी गुड़ वाली चाय बनके तैयार हो गई है और अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करके छान लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चाय बिल्कुल नहीं फटी है और हमारी गुड़ वाली चाय बनके तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अदरक और इलायची की। तो ठंड के मौसम में आप इस चाय को ज़रूर बनाएं और इसका आनंद लें, सबको बहुत पसंद आएगा। गुड़ का अपना ही एक फ्लेवर होता है, इससे चाय बहुत टेस्टी बनती है। गुड़ फ़ायदेमंद भी काफ़ी होता है। गुड़ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है जिससे अगर किसी को हीमोग्लोबिन का इशू हो, जो एनेमिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें गुड़ ज़रूर खाना चाहिए। तो ये देखिए हमारी गुड़ वाली चाय बन के तैयार है। तो इस तरह से आप गुड़ की चाय बनाएँ और इसका आनंद लें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा।